हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी फैशन बाय अंजू। और आज आपको इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर कुशन कवर बताने वाली हूँ। डिजाइनर कुशन कवर बोलते हैं इसको, और ये मैं रिबन से बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये टू कलर के रिबन लिए हैं, रेड और वाइट कलर के, और मैंने पिंक कलर का कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैं आपको आगे बताती हूँ। कपड़े की लेंथ 13.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 13.5 इंच है, यानी कि हमारी जो लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल बराबर है, 13.5 इंच। तो अब मैं आपको इसमें डिजाइन डालना बताती हूँ। मैं पहले रेड कलर का रिबन यूज़ करूँगी, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का रिबन लिया है। आप चाहो तो कोई भी रिबन ले सकते हो, दो कलर लेने हैं हमने, कोई भी कलर आप ले सकते हो। अब मैं इसे कपड़े के बराबर रख रही हूँ और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसके दोनों साइड पिंस लगा लूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से स्टिच हो जाए और हिले नहीं। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड बराबर रखकर पिन लगा देती हूँ। अब मैंने दोनों साइड पिन लगा ली हैं। अब मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी। वाइट कलर को भी हम बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे जैसा हमने रेड कलर लगाया है। यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे इसको स्टिच करने के लिए। अब हम फिर से वाइट कलर का रिबन लगाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर वाइट कलर का रिबन लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी पिन लगा दूंगी। अब हम फिर से रेड कलर का रिबन लगाएंगे और इसे कटिंग कर देंगे। इसमें भी हम पिन लगाएंगे। पिन का हम यूज़ करते रहेंगे क्योंकि इससे हमारी जो रिबन है हमारा ये सेट रहेगा, हिलेगा नहीं। अब हम इसी तरह से यही मेथड यूज़ करेंगे। एक रेड लगाएंगे, दो सफ़ेद लगाएंगे, एक रेड दो सफ़ेद, इसी तरह से हम इसे आगे तक लगा देंगे। मैंने यहाँ पर सारे रिबन को लगा दिया है, साथ साथ मैंने पिन भी लगा दी हैं और बीच में भी मैंने पिन लगा दी हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है सेट रहे। जब हम इसको वीविंग करेंगे तो ये हिले नहीं, इसीलिए मैंने सारी तीन साइडों में पिन लगाई हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें डिज़ाइन कैसे डालना है। अब मैं डिज़ाइन डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम इस तरह से डायगोनल डिज़ाइन डालेंगे, तिरछे में हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले, अब हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर पिन से स्टिच कर लूँगी, जिससे कि हमारा रिबन हिले नहीं। और अब मैं 2-1-2-1 के हिसाब से वीविंग करूँगी। तो जैसा आप देख रहे हो, मैंने 2 के ऊपर से रिबन को निकाला है और 1 के नीचे से रिबन को निकाला है। आगे हम फिर से 2 के ऊपर से और 1 के नीचे से निकालेंगे, जैसा आप देख रहे हो। ये लाइन हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, 2 रिबन के ऊपर से और 1 रिबन के नीचे से हम रिबन को निकालेंगे। इसी तरह हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अब मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं सेकंड रो बनाने वाली हूँ। पहले जहाँ हमने 2 1 2 1 लिया था, इसमें भी हम 2 1 के हिसाब से लेंगे, लेकिन पहले हम इसका अल्टरनेट निकालेंगे, जिसके हम इसके नीचे से निकालेंगे, रेड के ऊपर से और वाइट के नीचे से निकालेंगे। और अब हम आगे 2 1 2 1 का मेथड यूज़ करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, मैंने 2 के ऊपर से निकाला और 1 के नीचे से निकाला। फिर से हम 2 के ऊपर से निकालेंगे और 1 के नीचे से निकालेंगे। इसी तरह हम ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अभी हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। पहले हमने 2 1 2 1 के मेथड से ये 2 लाइनें कंप्लीट की। अब हम थर्ड लाइन जो बनाएंगे, वो उसमें हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे 2 1 2 1 का। उसमें हम रिबन को रेड कलर वाले रिबन के नीचे से पास करेंगे, और जिससे कि ये वाइट वाले रिबन के ऊपर रेड कलर का रिबन दिखेगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। सेम इसी तरह से हमने बनाना है। तो हमने 3 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं आपको फिर से 4th रो बनाना बताती हूँ। अब हम फिर से उसी मेथड से 3 लाइनें बना लेंगे, जैसा आप देख रहे हो। हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा। तो आगे भी हम वाइट कलर के रिबन की 2 लाइनें बनाएंगे, और उसके बाद फिर से हम रेड कलर का रिबन यूज़ करेंगे। अब हमने सेम उसी मेथड से 2 लाइनें बना ली हैं वाइट कलर की। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे रेड कलर की, और आगे हम इसी तरह ये मेथड फॉलो करते जाएंगे 2 1 2 1 का। सिर्फ रेड वाले में हमें अलग करना है। इसे हमने रिबन को रेड वाले रिबन से नीचे से पास करना है, और वाइट वाले के ऊपर ये रेड वाला रिबन दिखना चाहिए। इसी तरह बनाकर हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसको एक साइड से सारा बना लिया है। अब मैं इसको दूसरी साइड से डायगोनल वीविंग करूँगी, जैसा आप देख रहे हो। मैं इसमें एक पिन लगा लूँगी, जिससे कि हमें वीविंग करने में आसानी रहती है रिबन को क्रॉस करने में। तो अब मैं इसको वीविंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें भी हम 2 1 2 1 का मेथड यूज़ करेंगे। 2 1 2 1 का मेथड हमने लेंथ वाइज यूज़ करना है, डायगोनल नहीं यूज़ करना है। डायगोनल यूज़ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए लेंथ वाइज 2 1 2 1 का मेथड यूज़ करना है, जैसा आप देख रहे हो।
तो अब मैंने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं सेकंड लाइन बना रही हूँ। तो इसमें भी हम रिबन को इसी तरह पास करेंगे। पहले हम बन के नीचे से पास करेंगे और उसके बाद टू के ऊपर से पास करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, बन के नीचे से और टू के ऊपर से। इसी तरह हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आप देख रहे हो कि इसमें फ्लावर की शेप बनती जा रही है। इसी तरह हमने बिल्कुल केयरफुली इसको करना है। आप डायरेक्शन देख लें कि किस डायरेक्शन में फ्लावर की शेप बन रही है। अब हम थर्ड लाइन में पहुंच गए हैं। अब हम फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वन के नीचे से निकालेंगे और उसके बाद टू के ऊपर से निकालेंगे, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। इस तरह से हमने पहले वन के नीचे से निकाला, फिर टू के ऊपर से निकाला। अब हम फिर से वन के नीचे से और टू के ऊपर से निकालेंगे। तो इसी तरह हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं फोर्थ रो में पहुंच गई हूं। तो इसके लिए भी 2-1-2-1 का मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि पहले हमने टू के ऊपर से लिया था, इस बार हम वन के ऊपर से और टू के नीचे से रिबन को पास करेंगे, इस तरह से जैसा आप देख रहे हो। बन के ऊपर से और टू के नीचे से हम रिबन को पास करेंगे। इसी तरह हम ये फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। एक लाइन मैंने बना दी है जिसमें हमें 7 फ्लावर दिख रहे हैं। इसी तरह हम अगर हमने ज़्यादा फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना है तो हमने कुशन कवर का साइज भी बड़ा लेना पड़ेगा। और इस तरह से मैं अब लास्ट वाली लाइन बना रही हूँ, तो मैं इसको फाइनल लुक दे दूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने 2 लाइनें बना दी हैं ताकि अच्छे से फ्लावर का डिज़ाइन दिख जाए। अब हम सारी लाइनें इसी तरह सेम उसी मेथड से बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया है। उस तरह हमारे फ्लावर की शेप बनेगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने सारे डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर कुशन कवर लग रहा है। और मैंने इसमें वाइट कलर का यूज़ फ्लावर बनाने के लिए किया है। आप चाहो तो रेड कलर का फ्लावर बना सकते हो और वाइट कलर का बाहर का बॉर्डर बना सकते हो। आप कलर कोई भी ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं इसके पिंस निकाल दूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी ताकि इसकी स्टिचिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब मैंने इसकी सिलाई कर दी है साइडों से और जो पिंस थी उनको भी निकाल दिया है। और अब मैं इसका बाहर का कवर तैयार करूंगी। तो उसके लिए मैंने लेंथ वाइज कपड़ा लिया है। हमने लेंथ से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ताकि हम इसका फ्लैप कवर बना सकें। तो इस
फ्लैप कवर बनाने से हमारा जो कुशन है वो दिखता नहीं है, तो इसलिए हम फ्लैप कवर बनाते हैं। तो अब मैं इसको कटिंग करना बताती हूँ। पहले हम इसकी इसमें ये जो लाइन दिख रही है इसको हम इधर से काट देंगे, तो उसके बाद सिलने के बाद ये हमारा इस तरह से आएगा जैसा आप देख रहे हो। तो ये जो मैंने लाइन लगाई है फ्लैप कवर के लिए, मैं इसे काट दूंगी और उसके बाद हम इस तरह सिलाई लगाएंगे जैसा आप देख रहे हो। हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर दोनों साइड सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम डिजाइन के ऊपर इस कपड़े को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने काटा है छोटा कपड़ा इसे स्टिच करेंगे, तो सीधी से सीधी साइड मिलाएंगे, यानी कि उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ होगी और सीधी साइड अंदर की तरफ होगी। तो हम इसे स्टिच कर देते हैं। तो अब मैंने इस पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट्स को स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और बनने के बाद ये फ्लैप कवर इस तरह से आएगा। तो मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने अब इसके चारों साइड सिलाई लगा दी है और अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर कुशन कवर से रिलेटिव और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसमें मैंने अलग अलग तरह से कुशन कवर के डिज़ाइन बनाना बताया है। तो आप वो वीडियो भी देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक होता है, तो आप ज़रूर चेक करें। और आप अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने कुशन कवर को सीधा कर लिया है। मैंने इसमें कुशन ला है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसमें स्पंज वाला कुशन नहीं डाला है मैंने, दूसरा कुशन डाला है। तो बहुत ही सुंदर ये कुशन कवर बना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन होता है उसे भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।